नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल, आपकी साइंस टीचर। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी कि द्विसंकर संकरण के बारे में, जिसमें मेंडल ने क्या किया, गोल पीले प्रभावी लक्षणों वाले बीजों का क्रॉस कराया किससे, झुर्रीदार हरे अप्रभावी लक्षणों के साथ। अब डायहाइब्रिड क्रॉस कहते किसे हैं, तो जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे अपन डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तभी तो गोल और पीले बीज लिए, उनका क्रॉस कराया झुर्रीदार हरे बीजों के साथ। तो क्या देखा गया कि F1 जनरेशन के अंदर जो संतति उत्पन्न हुई उसमें सारे ही कैरेक्टर कैसे थे, प्रभावी, यानी कि गोल पीले जो पादप है वो अपन को प्राप्त हुए। जब F1 पीढ़ी के अंदर स्वनिषेचन कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो F2 पीढ़ी के अंदर जो फीनोटिपिक रेशो आया, यानी कि लक्षण प्रारूप आया, वो आया 9:3:3:1। इसी के आधार पर मेंडल साहब ने जो है अपना तीसरा नियम दिया, कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब जो है आपने जो आनुवंशिकता की इकाई है वो क्या है, जीन है कि नहीं, इसके बारे में अपन ने देख लिया, मेंडल साहब ने बताया। अब इसी तरीके से जो है इसी के आधार पर एक क्रोमोसोम सिद्धांत भी दिया गया। जैसे आपके जीन हैं, आनुवंशिकता की इकाई है, उसी से सिमिलर कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रक्चर जो है एक केंद्रक में देखी गई, उन्हीं को नाम दिया गया क्रोमोसोम। और उसी के बारे में अपन जो है आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनको किस तरीके से डिस्कवर किया, इनको क्या नाम दिया गया, और इनकी जो है सिमिलैरिटीज़ जीन के साथ कैसी होती है, यानी कि जीन के साथ समानताएं इसकी कैसी हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। अब देखिए, आपके जो लक्षणों की वंशागति होती है, यानी कि कैरेक्टर्स आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, ये आपके मेंडल साहब ने बता तो दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिए इतने सारे, लेकिन तब तक टेक्नोलॉजीज इतनी स्मार्ट नहीं थी, पेपर पब्लिश नहीं होते थे, तो ये जो कार्य है उनका अज्ञात रहा। भाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी, पेपर पब्लिश नहीं हो पाए, और साधनों का अभाव, इनके चक्कर में जो है ये कार्य अज्ञात रहा। लेकिन उसके बाद जो है तीन साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, जो अपने तीन साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस और ईरन वन शेरमेक, इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। उन्होंने कहा, उन्होंने जो है फिर से रीडिस्कवर किया कि भाई ये जो अब मेंडल साहब है, इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट दिए हैं उन्हीं की पुनः खोज की। क्योंकि इस समय तक माइक्रोस्कोपी भी आ चुकी थी, कि तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी, और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, मेंडल के जो नियम है, यानी कि मेंडल की जो स्टडी थी, एक्सपेरिमेंट थे, उनका पुनः अवलोकन किया, उनकी पुनः खोज की। देखिए आगे, कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज की जा चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित एवं विभाजित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये अपनी एक क्या होती है, कोशिका है, एक सेल है, इस सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। अब इस केंद्रक के अंदर एक संरचना जो है इनको मिली, कुछ इस तरीके से ये संरचना होती है, इनको अपन कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। अब ये जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिविजन, कोशिका अपनी विभाजित होती है, उससे पहले ये द्विगुणित यानी कि 2n होता है, और विभाजन के बाद ये अगुणित, यानी कि इसका विभाजन भी हो जाता है। अब ये जो आपका कोशिका विभाजन होता है ना, ये दो टाइप का होता है, जो सेल डिवीजन है यानी कि कोशिका विभाजन है, वो आपके दो टाइप का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अपना अर्धसूत्री विभाजन। एक कौन सा है, समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये दो है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, आई कैन, यही बात समझ में। अब देखिए इधर एक बार, कि
इनको क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन काय भी कहा गया। तो ये जो आपके न्यूक्लियस है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर देखी गई, जो संरचना देखी गई, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? क्रोमोसोम नाम दे दिया। अब 1902 तक अर्धसूत्रिणी कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था, यानी कि कैसे जो क्रोमोसोम है वो आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं सेल डिवीजन होके, कोशिका विभाजित होके। जैसे आपको पता है कि जीन है आपके, जीन ही तो आपके आनुवंशिकता की इकाई होती है, लक्षणों को लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ऐसे ही ये भी क्रोमोसोम जो है आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इधर कि वॉल्टर सटन तथा वॉमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी कुछ जीन जैसा ही है। जैसे कि आपको पता है कि जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर के रूप में यानी कि युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। बताया था नहीं बताया था मैंने आपको कि जो जीन है वो हमेशा युग्म के रूप में पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो भी युग्म के रूप में पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है क्रोमोसोम की किससे? जीन से। देखिए इधर, इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया कि कोशिका विभाजन की समसूत्रण तथा अर्धसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये अपन ने देख लिया। देखिए इधर, क्रोमोसोम तथा जीन के व्यवहार में तुलना कि ये जो है दोनों में क्या सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज है। देखो, सबसे पहला जो आपका जीन है वो भी जोड़े के रूप में होता है। जैसे कि मान लो कि टॉल प्लांट्स के लिए मैंने लिखा कैपिटल टी, तो ये आपका क्या हो गया? एक पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। इस तरीके से क्रोमोसोम भी आपके जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर जो है, जैसे आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, अपन इनको लिखते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे अंदर है, यानी कि 23 जोड़े हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है वो आपके किसके रूप में? युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है आपके युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। देखो, जब सेल डिवीजन होता है यानी कि कोशिका विभाजन होता है तो उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हुआ और टीलोफेज हुआ। ठीक है, कौन कौन सी है? प्रोफेज हुआ, जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी है? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। देखो, इन चारों अवस्थाओं में क्या होता है कोशिका विभाजन की, जो प्रोफेज अवस्था होती है ना, उसमें ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जैसे मान लीजिए केंद्रक है, ये जो क्रोमोसोम्स है इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पड़े रहते हैं, धागे, पतले धागे नुमा संरचना के रूप में पड़े रहते हैं, इन्हें अपन क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और ये कौन सी अवस्था है? प्रोफेज अवस्था। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इस मेटाफेजिक प्लेट पे आके लग जाते हैं। इस तरीके से ये जो है मेटाफेजिक प्लेट पे आके ये क्रोमोसोम आपके क्या हो जाते हैं? ये क्रोमोसोम इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट पे आके लग जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं मेटाफेज। फिर एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने ध्रुवों की साइड, अपने अपने पोल्स की साइड जाने लग जाते हैं। जैसे ये इसका ध्रुव है, ये इसका ध्रुव है, अब ये जो है क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की साइड, अपने अपने ध्रुवों की साइड गमन करना चालू कर देते हैं, क्योंकि सेल डिविजन हो रहा है ना। तो ये जो क्रोमोसोम है इस तरीके से अपने अपने ध्रुवों की साइड जब जाना चालू कर दे तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनाफेज। और ये जो टीलोफेज है इसमें क्या होगा? इस तरीके से क्लीवेज फरो बन जाएगी, सेल जो है वो डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे और तर्कु तंतु जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उसे अपन कहते हैं टीलोफेज। ठीक है,
फिर जो फिफ्थ आती है उसे अपन कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होगा कि दो जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो बन जाती है, उसे अपन कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो देखिए कि युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है, यानी कि केवल एन ही है जो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग हो गए कहाँ पर, एनाफेज के अंदर। ऐसे ही आपके जो जीन हैं उनमें भी यही है कि युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। जैसे कि अपने जो है क्या है, मान लीजिए जीन का अगर अपन बताएं, मान लीजिए जीन में जो है अपने पास कैपिटल टी है। अब जैसे ही विसंयोजित हुए यानी कि अलग अलग हुए, तो ये इस तरीके से अलग अलग हो गए, तो एक ही गया, सिंगल ही गया। जैसे मान लो मेरे पास हेटरोजाइगस वाला है, इसके युग्मक विभाजित हुए, तो ये केवल एक ही तो आगे जाएगा विभाजन के चक्कर में, है ना। तो केवल जोड़े में से एक ही जो है वो आगे जा पाता है। अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं, यानी कि एक का दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक का दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विसंयोजित। और आपके ऐसे ही जीन एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है। हमने डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा था ना कि जब गोल पीले बीजों का झुर्रीदार हरे बीजों के साथ क्रॉस कराया, तो गोल जो बीज हैं वो पीले बीजों से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित हुए, जिसे अपन ने क्या कहा था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा था, कहता नहीं कहता। तो सेम किस में होगा, आपके क्रोमोसोम में भी सेम यही चीज होती है। आई बात समझ में? चलिए देखिए आगे, ये क्या है, आपके एक सेल साइकिल चलता है, कोशिका चक्र होता है, जिसमें आपके G0 फेज, S फेज, G1 फेज, G2 फेज और M फेज आती है। जिसमें क्या होगा, देखो यहां पर आपको इस कोशिका के अंदर क्या नजर आ रहे हैं, ये इस कोशिका के अंदर अपने हैं क्रोमोसोम। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो आपकी सेल साइकिल चलेगी, ये एक आपकी सेल है, कोशिका है, इस कोशिका में आपके जो है चार क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं, ये चार क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या है आपके चार क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, जब ये G2 फेज में आते हैं तो इन्होंने क्या कर लिया, खुद को डबल कर लिया, क्या नहीं किया, तो ये यहाँ पर ये आपका एक क्रोमोसोम ये डबल हो गया, यानी कि इस तरीके से ये जो है अपनी स्ट्रक्चर बना ली इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से खुद को डबल कर लिया। अब क्या होगा कि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन जिसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चार अवस्थाएं होती हैं, तो इस पश्चावस्था को अपन कहते हैं एनाफेज। पश्चावस्था को क्या कहा जाता है, एनाफेज कहा जाता है। तो एनाफेज में क्या होता है कि जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो अपने अपने पोल्स पर जाने लगते हैं, अपने अपने ध्रुवों पर जाने लगते हैं। तो देखो ये जो है आपके गुणसूत्र, ये यहाँ से, क्योंकि पहले इससे क्या आई, मेटाफेज आई, मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो गए। पश्चावस्था में यानी कि एनाफेज के अंदर क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है अपने अपने ध्रुवों पर जाने लगते हैं, तो ये वाले अपने ध्रुव पे जाएंगे और ये अपने ध्रुव पे जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो अर्धसूत्री विभाजन में, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में कंप्लीट होता है, फर्स्ट और सेकेंड, पहले आपके कोशिका विभाजित होती है, फिर साइटोप्लाज्म में विभाजित होता है। तो देखो आपके ये अपने अपने ध्रुवों पर गए, दो सेल बन गई, फिर आपके अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड की एनाफेज में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म विभाजित हुआ। तो ये अपने अपने ध्रुवों पर गए, तो इस तरीके से चले गए ये चार, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर आपके एनाफेज के अंदर, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो रहा है एनाफेज में, फिर जो है ये अपने अपने ध्रुवों पर जाएंगे, अपने अपने पोल्स पर जाएंगे, और ध्रुवों पर जाकर ये जो है चार कोशिका इन्होंने बना ली, कितनी, चार गैमिट सेल्स यहाँ पर अपनी बन गई, आई बात समझ में। तो यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनी, चार डॉटर सेल बनी, चार पुत्री कोशिकाएं बनी, और इसमें ये जो क्रोमोसोम है कोशिका के अंदर वो क्या हो गए, विभाजित भी हो गए,
हुए नहीं हुए, और इस तरीके से चार जनन कोशिकाएं जो है वो बन गई। आई कि नहीं आई बात समझ में? देखिए अब इधर, जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं, तथा एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान होते हैं। तो आपके जैसे जीन हैं वो ऐसे जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे ही आपके क्रोमोसोम भी जो है वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तभी तो हमारे अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम हैं। ठीक है, सटन तथा वोवेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग हो जाना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है वो क्या किया, प्रतिपादित किया। जैसे आपके जीन्स क्या हुए, अलील क्या हुए, विसंयोजित हुए, ऐसे ही क्रोमोसोम भी सेल डिवीजन हुआ तो क्या हुए, विसंयोजित हुए, अलग अलग हुए। तो सेम वही चीज़ है ना, उसमें उन्होंने जीन के बारे में बताया, इसमें इन्होंने सटन वोबेरी ने क्या किया, क्रोमोसोम के बारे में बता दिया। तो है तो ये भी वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत हुआ, क्योंकि ये भी तो वंशागति हो रही है, इसकी भी तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जा रहा है क्रोमोसोम आपका, है ना। तो इसी को ही क्या नाम दे दिया, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है वो नाम दे दिया गया। आई कैन यही बात समझ में? इस विचार के विश्लेषणों का अनुपालन करते हुए जो थॉमस हंट मॉर्गन है तथा उसके साथियों ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत के प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। अब ये जो आपके मॉर्गन साहब थे, इन्होंने क्या किया, मॉर्गन साहब ने जो ड्रोसोफिला होती है ना, मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई जो होती है, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, इसको अपन बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, जो फल मक्खी होती है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, इसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किया कि ये जो फ्रूट फ्लाइज है इनको लिया और लैब के अंदर इनके ऊपर कृत्रिम तरीके से एक्सपेरिमेंट किए। किस चीज़ को समझाने के लिए, इसी चीज़ को, क्रोमोसोम वाद को समझाने के लिए ही। अब इन्होंने ये जो फ्रूट फ्लाई है इन्हीं को क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं चुना? तो ये जो आपकी फ्रूट फ्लाइज होती हैं, ये इनमें कृत्रिम तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। विद इन 2 वीक्स इनका पूरा जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बड़ी जल्दी इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जीवन चक्र। इसीलिए इन फ्रूट फ्लाइज को जो है काम में लिया गया प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। साथ के साथ ये एक साथ में बहुत सारी प्रोजेनीज उत्पन्न कर लेती हैं, और इनमें नर तथा फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई जो है उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना इजी था, क्योंकि जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है वो छोटी होती है कंपैरेटिवली फीमेल के। देखिए इधर एक बार कि मॉर्गन ने फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पर काम किया जो ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त तो पाई गई। तो ये जो है वो आपकी क्या है, नर है, यानी कि मेल फ्रूट फ्लाई है, और ये जो है आपकी फीमेल फ्रूट फ्लाई होती है, ये कंपैरेटिवली बड़ी होती है मेल से। देखिए आगे, इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता था, ये अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती थी, इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव था, साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्टता कि ये मेल है कि फीमेल है, नर तथा मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। इसीलिए मॉर्गन ने इस क्रोमोसोम वाद को समझने के लिए फ्रूट फ्लाई जो है उसको काम में लिया। साथ ही इनमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। तो इस तरीके से मॉर्गन साहब ने जो है क्रोमोसोमवाद को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पर अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो किए। आई कैन यही बात समझ में? देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, जिसके अंदर हमने देखा कि जैसे जीन है अपनी आनुवंशिक इकाई, ऐसे ही क्रोमोसोम भी जो है कुछ सिमिलैरिटीज रखता है जीन की तरह।
ये जो आपके पहले एक्सपेरिमेंट हुए, मेंडल साहब ने जो वंशागति के सिद्धांत दिए यानी कि इसके एक्सपेरिमेंट किए, वो पहले काम जो है प्रकाशित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ की कमी थी। फिर बाद में जो है तीन साइंटिस्ट आए, डीवरीच, शेरमैक और कॉरेंस, इन्होंने मिलके जो है इनको दोबारा इनके परिणामों की पुनः खोज की और फिर क्या दिया, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या देखा कि एक सेल के अंदर एक रंग एक स्ट्रक्चर पाई गई जिसे इन्होंने नाम दिया क्या, क्रोमोसोम। अब ये जो आपके क्रोमोसोम होते हैं ये भी पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। किसके रूप में? युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे जीन आपके जोड़े के रूप में प्रेजेंट होता है। अब विभाजन के बाद ये जो है स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं विसंयोजन के पश्चात। ऐसे ही जैसे जीन करते हैं वैसे ही क्रोमोसोम करते हैं। इसी के आधार पर जो है इन्होंने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया, क्योंकि जब आपके एक सेल है, एक कोशिका है, मात्र कोशिका, उससे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है चार पुत्री कोशिकाएँ बनी, क्योंकि क्रोमोसोम जो है पहले खुद को डबल किए, फिर उसके बाद अपने अपने पोल्स पर जाना स्टार्ट हो गए और ऐसे जो है सेल आपकी डिवाइड हुई, चार पुत्री कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती है। तो इसे अपन ने क्या कहा कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गए, तो इसीलिए इसको अपन ने कहा वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत। आई कैन, यही बात समझ में? अब जो है एक साइंटिस्ट आए मॉर्गन, उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिसका नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ये जो फ्रूट फ्लाई है वो ही क्यों चूज़ की गई, क्यों? क्योंकि ये जो है इसको कृत्रिम तरीके से एक्सपेरिमेंट कराना ईजी था, इसके दो हफ्ते के अंदर ही जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए इसको चुना गया। इसमें मेल फीमेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसीलिए इसको चुना गया। और इन्होंने जो है इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के ऊपर। ये बात समझ में? चलिए अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।